नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज धार पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला के घर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए नेमावर हत्याकांड पर प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। देखे क्या कुछ कहा, खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये नेमावर की घटना इतनी हृदय विदारक है, इतनी विभत्स है। दलित परिवारों का शोषण भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार में हो रहा है। मैं जब नेमावर जा रहा था तो वहाँ छीत गांव है एक रास्ते में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, वहाँ भी एक दलित की हत्या हुई। 5 लोगों की हत्या नेमावर में, बलात्कार हत्या ये। और तो और, जो इस संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आज से कुछ समय पहले उन्होंने एक जुलूस निकाल के प्रशासन पे दबाव बनाया था। एक पत्र प्रशासन को लिख के दिया था, पुलिस प्रशासन को, कि इस केस की जांच बंद कर दी जाए। मतलब कितना घिनौना षड्यंत्र, 5 लोगों की हत्या हो जाती, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होता है, 10 फीट गहरे गड्ढे में प्लानिंग के साथ उनको गाड़ दिया जाता है। और बीजेपी के वो लोग जो विश्व हिंदू परिषद है, किससे जुड़े हुए हैं, मैं उनके सारे नाम आ गए मेरे पास, वो लोग 1.5 महीने बाद प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि आप इस केस की जांच बंद कर दीजिए, इस केस में कुछ नहीं है। उन लोगों के नाम भी हमने प्रशासन को कल कहा कि इन लोगों की जाँच करना चाहिए, कि ये वो लोग हैं जो अपराधियों को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इनके नाम भी शामिल किए जाएं। कि क्यों बंद, जांच बंद कराना, सीबीआई जांच की मांग की हमने। हमने कहा 1 करोड़ रुपये उस परिवार को दीजिए, पढ़े लिखे 1-2 बच्चे हैं, 1 को शासकीय नौकरी दीजिए, तो तमाम सारी बातें हैं। अभी हम 6 तारीख को फिर 3 लोगों की कमेटी कमलनाथ जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, जिसमें मैं हूँ, विक्रांत भूरिया हैं और देवास जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक पटेल हैं। 6 तारीख को हम फिर जाके पूरी जांच रिपोर्ट फिर कमलनाथ जी को सौंपेंगे। बीजेपी के मंत्रियों, 2 घटनाएं हुई हैं, प्रद्युम्न वाली और यशोधरा जी वाली तो कल हुई, परसों। इसके पहले जब कैबिनेट बैठक थी, उस समय 10,000 करोड़ के सिंचाई विभाग के ठेके मंजूर कर रहे थे, जबकि खजाना खाली है, प्रदेश सरकार का कोषालय बिल्कुल खाली है। तब नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग में उठ के कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पैसा नहीं है सरकार के पास, तो आप 10,000 करोड़ के सिंचाई के ठेके क्यों जारी करवा रहे हैं, इससे जनता में खराब संदेश जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने माना नहीं, क्योंकि सिंचाई विभाग के ठेकों में बड़ा लंबा खेल है। जिन ठेकेदारों को ठेका देना है, उनसे पहले ही काफ़ी माल बल ले लिया जाता है, पैसा नहीं तो भी, एक घटना वो होगी। दूसरी, यशोधरा जी और प्रद्युम्न तोमर। अब प्रद्युम्न तोमर को सोचना चाहिए कि जिस खानदान से, जिस परिवार से, वो सिंधिया परिवार से जुड़ा है, अरे भैया बुआ की भी इज्जत करो, बुआ सीनियर लीडर है, बुआ का कहा हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य मानना चाहिए। और कोई बड़ा जब नसीहत देता है तो अपने भले के लिए देता है, लेकिन प्रद्युम्न तोमर को उन्होंने सही किया कि प्रद्युम्न तो ये तार पर चढ़ जाता है, इससे कोई बिजली की व्यवस्था प्रदेश में सुधरेगी नहीं, धरातल पे काम करो, इतने बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं। ये तो प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि कमलनाथ जी थे जब 100 यूनिट बिजली मिलती थी, आज 4,000 के बिल आ रहे हैं। तो यशोधरा जी ने सही नसीहत दी, पर प्रद्युम्न तोमर उनसे तो नाली साफ करा लो, बिजली की तार चढ़ा लो, ताकि लाइम लाइट में बने रहें। तो ये आपस में जो लड़ाई हो रही है, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि जैसे सिंधिया गए हैं बीजेपी में, कि बीजेपी की नाक में दम हो गया है, ये सब बंदर उछल कूद कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के साथ 3 विधानसभाओं के भी उपचुनाव हैं, और मैंने खंडवा लोकसभा की पहली बैठक ले ली है और 6 तारीख को फिर जा रहा हूँ खंडवा लोकसभा की बैठक लेने। तो हमारी तैयारी लगभग पूर्ण है, हमारे मंडलम सेक्टर भी बने हुए हैं, बूथ कमेटियां कुछ बनना बाकी, वो भी बना के। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मंडलम सेक्टर बूथ कमेटी,
कि दमोह उपचुनाव हम जीते, दमोह उपचुनाव जीते तो कई राजनीतिक दल क्या करते हैं कि हार की समीक्षा करते हैं। कमलनाथ जी ने समीक्षा की कि हम क्यों जीते दमोह, तब ये बात निकल गई कि मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटी जो हमने 3 महीने पहले बना दी थी उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। तो कमलनाथ जी ने कहा कि चारों उपचुनाव हम उसी पैटर्न पर लड़ेंगे, तो हमारी तैयारी चल रही। आप उद्घाटन करते तो हल्ला मच जाता है, क्या बात है? अब देखिए, मैं कल नेमावर की घटना के लिए मैं घटना स्थल पर जा रहा था जहाँ हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। कायदे से तो वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को जाना चाहिए, पर ये शिवराज चौहान नकली मामा है, बोले भांजियों को भाषण देता रहता है, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं जिंदा हूँ, चिंता मत करना। अब ये शकुनी मामा है कि कंस मामा है, 5-5 बच्चियों के साथ वहाँ बलात्कार हो रहा है। तो रास्ते में मैं जब इनकी विधानसभा से निकला कल, तो लोग परेशान खड़े थे। एक पुल बना था, छोटा सा पुल था साहब। तो मैंने कहा भैया क्या, बोले साहब इधर से आवागमन बंद है, ये उद्घाटन का इंतजार कर रहा है मुख्यमंत्री, जब तक उद्घाटन नहीं करेंगे। अरे मैंने क्या, लाओ एक रस्सी बांधो, रस्सी बांधी, हमने ये काट दिया, अब चलो हमारे साथ, सब आवागमन चालू हो गया। मेरा एक गिना आज पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी के, कल जो मैंने उद्घाटन किया, शिवराज चौहान 100-100 उद्घाटन एक साथ वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। अरे कमलनाथ की सरकार में हमने सैकड़ों गौशालाएँ बनाई, तमाम सड़कें बनाई, उसका उद्घाटन तुम कैसे कर सकते हो? हमने एक छोटे से पुल का कर दिया जहाँ जनता परेशान थी, तो उसमें बवाल मचा हुआ। 4,000 करोड़ की सड़क देवास से ग्वालियर, कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे, मैं 4,000 करोड़ लाया था देवास से ग्वालियर 4 लेन, उसका उद्घाटन बीजेपी के सांसद और बड़े नेता कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। अरे हमने तो जनता की सुविधा के लिए भी इतना करना।